faculty में हम पास यहाँ पे किसी में नोबेट रहे हो अमीर इन वर्ल्ड ते आज आप ऑनेस्ट रिव्यू करने वाले हैं ट्रेलर मुकलावा था जिसके पीछे सोनम कांत और एमी विर्क मेन लीड्स विच नजर आ रहे हैं और उसको लिखा है स्टोरी ऑफ स्क्रीन पे लिखा गया है उपिंदर बड़ैच और जगजीत सैनी के थ्रू ते नाल ही नाल इसको डायरेक्ट किया है अंग्रेज के डायरेक्टर सिमरजीत सिंह ने वैसे अंग्रेज तो बाद उन्होंने निका जैदा भी डायरेक्ट की है नाल ही नाल उन्होंने हाल फिलहाल जोगिंदर सिंह भी डायरेक्ट की थी जो शायद बॉक्स ऑफिस से इतना कमाल नहीं कर पाए सो लेट्स हैव अ लुक ऑन ट्रेलर फिल्म 24 मई 2019 को रिलीज होने वाली है सो देखते हैं ट्रेलर में कुछ किया बहू दा मुंह खावा अपने सिर च सुभा पावा विचोले दी लत तो रिश्ता दोए तोड़ दे ओ कराउ लत नु प्लास्टर तो मैं करोना तेनु रिश्ता तू इत की करना है करी मुंह दिखा दे यार नहीं मेनू संग आंदी है दिखा दे यार दिखा दे दिखा दे किरे मुंह देख रहा है तू बड़ा चौधरी तेरे दिल विच धड़क रहा है मेनू बिल्कुल सुनदा साफ ओए फतुए चलो तेरी भाभी दिखण जाना मैं नहीं जाना जे तू कल्ले ने जाना भी है ना तब भुक्की खा के थोड़ा जा कैड़ा जा होके जाए क्योंकि चपेड़े दी लाशें बहुत गुड़ियां पेंदियां ने वीरे जे रोज मिलन आ गई ना बापू नू पता लग जू नाले मुकलावा भी नहीं देना मैं किवें देना मुकलावा तेरे बापू दे बापू दा राज बहुत हो गया पखंड तोता छोटी दा मुकलावा ता की मैं ता हुण वड्डी भी नहीं तोड़नी तेनू दूर होण नहीं देना मैं बिन तेरे पल नहीं रहना मैं निक्के निक्के गल्लां ना रिश्ते टुट जांदे आ टुटण नूं रह की गया हुण शमा ते मचण पतंगे तारो तू शिंदे नूं सच्ची प्यार करदी है शिंदिया हुण नहीं दिंदे तेरा मुकलावा यार ऐ किवें देणगे मुकलावा मुकलावा तां ओह भज्जिया बंदा लैण वाला चाहिंदा दिल टोलदा वी नहीं कुंडी खोलदा वी नहीं दिल टोलदा वी नहीं कुंडी खोलदा वी नहीं कदे मारे ललकारी कदे बोलदा वी नहीं कदे मारे ललकारी कदे बोलदा वी नहीं भाई अपना कठ्ठे दा तां ब्याह हो जूगा फिर अपने न्याणे वी कठ्ठे ही होणगे ना जेहे जे तेरे लक्षण तेरे ही होणगे पहला चाचा की करिए यार नींद नहीं आउंदी मैं टांग फड़ाई नहीं नोरी सुभा आगी चाचे आगी I think it's very soft, romantic film क्योंकि trailer कुछ ऐसा कुछ नहीं है हाँ बहुत सी repeat चीज़ें मेरे को दिख रही हैं और like पहला तो शादी वाला concept बड़ा दिया है fine है sweet है simple है सोनम बाजवा क्यों लग रही है simple without makeup Ami Virk ठीक है हमेशा की तरह वो act कर रहे हैं फिल्म के नाम तो यानी कि मुकलावे तो पता लग जाता है कि फिल्म की स्टोरी की होगी पर उसका ट्रीटमेंट किस तरह का है एनी फिल्म की यूएसपी होगी अगर तो ट्रीटमेंट अच्छा होया गाने अच्छे हुए सोनम और एमी के कैरेक्टर्स बहुत स्ट्रॉन्गली लिखे गए तो शायद उस फिल्म में लोग प्यार भी कर देंगे वैसे चांसेस है कि लोग इस फिल्म को जरूर प्यार करेंगे क्योंकि लाइट हार्टेड सॉफ्ट फिल्म है इंटरटेनमेंट भी बनाई गई फिल्म है इस बीच कोई खास तामझाम मैसेज वो लगता नहीं शायद को दिखता होगा जितना होगा तो कोई बहुत थोड़ा बहुत होगा लेकिन सोनम दी लास्ट फिल्म बहुत ज्यादा प्यार मिला है इनफैक्ट आई लव द कैरेक्टर सोनम बाजवा ने जो बुढ़िया बटोले के बीच प्ले किया है और छेवें हफ्ते के जो बीच फिल्म है तो ऑब्वियसली सोनम के फैंस तो देख जाएंगे नायक को एमी विर्क की गल की जाए तो 2018 के दो फिल्म लिखिया जिसनों एक क्रिटिक्स ने बहुत पसंद किया दूसरी फिल्म है जिसनों लोगों ने बहुत पसंद किया हालांकि उस फिल्म को रीसेंटली बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं हरजीता के उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और किस्मत लोगों को बहुत पसंद आई सी और उसके बाद 2019 के वापस आ रहे हैं उन्होंने फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए भी नहीं क्योंकि अजकल एमी शूट कर रहे हैं रणवीर सिंह के नाल कपिल देव की बायोपिक विच इज 83 उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हाइप है सो कुल मिला के गल इन्नी जी है कि एमी के फैंस भी इस फिल्म को देखकर डेफिनेटली जाएंगे लेट्स सी निका जैदा तो बाद एमी और सोनम का कम बैक करके एज अ जोड़ी लोगों को कितना पसंद आता है तुम्हारा ट्रेलर कितना लगा है तुम्हें जरूर
inbox karyo nega nahi bhi karoge tabhi chalega but yes so do share this and do subscribe for Mirror World Punjabi entertainment news de liye reviews de liye ami mere ko sona baad mein purane reviews de liye gudiya patole har ji te dog nachi is de bhi sare links thalle ditte hoye ne so do subscribe and add more positivity thank you so much